अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने शकरकंदी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। फ्रेंड्स, ये शकरकंदी चाट बिल्कुल बाज़ार जैसी है। जिस तरह से बाज़ार में ठेलों पर बिकती है, उसी तरह से हमने घर में बनाए। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने शकरकंदी चाट बनाए। शकरकंदी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने शकरकंदी को धो दिया है, बाद उसे पोंछ लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शकरकंद की बनावट, कुछ ज़्यादा मोटे नज़र आ रहे हैं तो कुछ पतले। फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो हम इसकी बनावट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कुदरती तौर पे हमें इसी तरह से मिला है। हमने गैस पर प्रेशर कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है और हमने इसमें नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस नमक का रंग अलग सा नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, इस नमक को हमने कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, इसीलिए इसका रंग इस तरह से नज़र आ रहा है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर अच्छे से इसे गर्म करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने से पहले हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि इसकी जो रिंग है, ये जो इसका रबर है, इसे हम निकाल देंगे, वरना ये ख़राब हो सकता है। प्रेशर कुकर के ढक्कन में से रिंग निकाल देंगे। 2 मिनट तक ढक्कन ढककर इसे गर्म करेंगे और हमें सीटी बिल्कुल नहीं लगानी है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोल देंगे। ढक्कन खोलकर नमक को हमने फैला लिया। उसके बाद हमने उस पर शकरकंद को रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम ढक्कन ढक देंगे और 10 मिनट तक इसे इसी तरह पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देंगे। शकरकंद की साइड चेंज कर देंगे। हमने शकरकंद की साइड चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं। अब 10 मिनट तक ढक्कन ढक कर इसे फिर से पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे। नाइफ की मदद से चेक करेंगे कि ये गला कि नहीं गला, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद नमक झाड़ लेंगे। अभी ठंडा हो चुका है और इस पर से हमने नमक को झाड़ लिया है। अब इसे छील कर इस प्लेट में रखेंगे। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। शकरकंद को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, शकरकंद को भूनने के कई एक तरीके हैं। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं, आप चाहे तो इसे तवे पर भी भून सकते हैं। जब आप कढ़ाई या तवे पर इसे भूने, तो आपको करना क्या होगा? आपको शकरकंद में थोड़ा तेल लगाना होगा और शकरकंद को कढ़ाई में रखकर ढक्कन ढक कर इसी तरह से पकाना होगा। लेकिन हमने जो आज तरीका अपनाया, हमने प्रेशर कुकर के अंदर शकरकंद को डालकर कुक किया। ये तरीका बहुत ही आसान है, आप इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शकरकंद की चाट बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होंगी, चाट मसाला और माल्टे का रस। शकरकंद पर चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद हम माल्टे को काट कर माल्टे का रस डालेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, शकरकंदी चाट तैयार है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें माल्टा पसंद है, इसीलिए हम माल्टे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।